हरियाणा में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। 9 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। राज्य के अलग अलग शहरों में पहले दिन लॉकडाउन का ज्यादातर जगहों पर असर दिखा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद है, हर चौक चौराहे पर पुलिस के नाके हैं। जरूरतमंद लोगों को ही सड़कों पर निकलने दिया जा रहा है। लोगों से पूछताछ करने और पास दिखाए जाने के बाद ही आगे जाने की अनुमति उन्हें दी जा रही है। तो यहाँ पर सख्ताई देखी जा रही है। हरियाणा में लॉकडाउन का तीसरा दिन है, उसको लेकर देखा यह जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चहलकदमी बहुत कम है और ज़रूरत पड़ने पर ही लोगों को बाहर निकलने दिया जा रहा है। इमरजेंसी केस में लोग बाहर निकल सकते हैं और यहाँ पर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। सुनील चौधरी हमारे सहयोगी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, हरियाणा में लॉकडाउन का तीसरा दिन है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का और प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? जी मोनिका, देखिए मैं इस वक्त जो खड़ा हुआ हूँ फरीदाबाद का जो बीके चौक है, जिसको मिनी जंतर मंतर भी कहा जाता है दिल्ली की तर्ज पर। दो दिन तक तो यहाँ पे माहौल जो है बिल्कुल ठीक ठाक रहा था, लेकिन आज मैं अपने कैमरे की निगाह से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग जो है बिल्कुल मैं कहूंगा कि किसी तरीके का उनका कोरोना का भय नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरीके से लोगों की आवाजाही जो लग रही है, हालांकि मार्केट पूरी तरीके से बंद है, लेकिन कैमरे की नजर से आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑटो वगैरह से, सभी से साइकिलों पर भी जा रहे हैं, कोई किसी तरीके से आ रहा है। लेकिन आप सामने की अगर मार्केट में बात करें तो सामने की मार्केट आप देख सकते हैं, सभी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और छोटी बड़ी दुकानें हैं, सभी पूरी तरीके से बंद है। इस समय आप देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर भी लोग अपने स्कूटर मोटरसाइकिल वाहनों के साथ जो है इस समय खड़े हुए हैं। लेकिन इनको सबसे बड़ी बात है, सबसे कहना चाहूंगा, सबसे बताना चाहेंगे कि सरकार जो बार बार अपील कर रही है कि आप जो है लॉकडाउन का पालन कीजिए, जब आप ही लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो किस तरीके से बात बनेगी, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है लोगों को अपने आप में जागरूक होना। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तरीके से आप यहां पे ड्यूटी निभा रहा है, सब कुछ कर रहा है। आज पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह भी बल्लभगढ़ का जो मेन बाजार है उसके अंदर गए थे, वहां मौजूद जो सुरक्षाकर्मी हैं उनसे बातचीत भी की, जो आसपास लोग घूमते हुए नजर आए उनको समझाया भी, मास्क भी बांटे और सभी को क्या नाम है इस तरीके से बताया कि कोरोना का चेन तोड़ना बहुत जरूरी है, अगर कोरोना की चेन नहीं तोड़ पाए तो हालात इससे बद से बदतर हो सकते हैं। जी मोनिका, फरीदाबाद में तो ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, गाड़ियां यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके पीछे और लगातार जो चहलकदमी है वो जारी है। ऐसे में क्या हम ये माने कि प्रशासन की हिला हवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। बैरिकेडिंग करने के बावजूद भी लोग जो छोटे मोटे रास्ते हैं जो बीच में से निकलते हैं शहरों के अंदर से, गलियों से निकलते हैं, वहां से निकलते हुए अब कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किस वजह से और क्यों जा रहे हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बाकी जब भी हम लोगों से पूछते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सब यही बताते हैं, अपना अपना बहाना बताते हैं कि हमें जरूरी काम है, हम इस वजह से जा रहे हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, और बावजूद इसकी तरीके से सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं आप बार बार देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लोग जो है सड़कों के ऊपर जो है चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, कि जिस तरीके से ऐसा मानो जैसे पार्क में घूम रहे हो, इनको कोरोना का कोई भय दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ देख सकते हैं रैली है, स्कूटर है, रिक्शा है, गाड़ियां हैं, चारों तरफ आप पार्किंग में गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, सब कुछ है, दुकानें बंद हैं, कुछ सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन बावजूद सड़कों पर क्यों निकली है पब्लिक ये समझ से बाहर है। और जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोरोना कांड को बड़ा ही विकराल रूप देने की कोशिश जो है मुझे लग रही है कि यहाँ पे जो है जो लोग कर रहे हैं वो सफल भी हो जाएंगे। सरकार अपने काम में सफल हो रही है, लेकिन लोग अपने काम में सफल हो जाएंगे कि कोरोना को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और कोरोना को इसी शक्ल में बढ़ावा दे रहे हैं कि यहाँ से लोग किसी भी तरीके का कहीं जो है कानून का फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। जी मोनिका, आपका सहयोग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और ग्राउंड जीरो पर दिखाने के लिए कि क्या स्थिति है फरीदाबाद की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।